बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करीम अम्माबाद अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू मेथी पालक और चिकन की रेसिपी। इसके लिए हमने ली है, एक गड्डी हमने मेथी की ली है, एक गड्डी हमने पालक की ली है और हाफ के जी हमने आलू लिए हैं। नहीं, सबसे पहले हम इनको काट के धो लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये तो नाज़रीन हमने अपना प्याज पालक काट लिया है और उसको धो भी लिया है, साथ ही हमने अपनी मेथी भी काट ली है और उसको धो लिया है। हाफ के जी हमारा चिकन है और हाफ के जी हमारे आलू हैं, इनको भी हमने काट के धो के रखा है। ये हमारा लहसुन अदरक है, इसको हमने कूट लिया है। प्याज ये हमने चौकोर काटी है, दो हरी मिर्चें हैं, 100 ग्राम हमने ऑयल लिया है, 3 अदद हमने दरमियानी साइज के टमाटर लिए हैं और उनको चौकोर काट लिया है। ऑयल हम पहले ही डाल देंगे, साथ ही इसमें प्याज शामिल करेंगे, फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें जीरा शामिल करेंगे, प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, हमने इसको ब्राउन नहीं किया। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, दो चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब हम इसमें चिकन डाल के फ्राई करेंगे जी, साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। चिकन को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई किया था, अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्चें भी हमने इसमें साथ ही शामिल कर दी, तो अब इसमें हम सारे मसाले शामिल कर देंगे। तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करें और साथ साथ भूनते जाएं ताकि आपका मसाला भी लगने ना पाए। इसको अब हम ढक के 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे जी। तो हमने इसको आंच हल्की कर देनी है और 5 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर बैठ जाएं और चिकन अंदर से गल जाए जी। तो नाज़रीन 5 मिनट तक ढक के पकाने से हमारे टमाटर बैठ गए हैं, अब हम इसमें मेथी शामिल करेंगे, क्योंकि मेथी थोड़ा सा गलानी पड़ती है, पालक जो है वो जल्दी से गल जाता है। हमने इसमें मेथी शामिल की है और अब हम इसको 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि मेथी गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे, देखिए हमारी मेथी बिल्कुल बैठ गई है, तो हम चला लेंगे। और अब इसमें आलू भी डाल देंगे, दो मिनट तक आलू को भून लेंगे इसके साथ जी। तो ये हमने आलू भी भून लिए हैं 2 मिनट, अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। अभी हमारा पालक बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब भी 10 मिनट तक हम इसको बंद करके पकाएंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा। आंच हम इसकी हल्की कर देंगे और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे और इसको
पाँच मिनट के बाद खोल के देखेंगे। तो पाँच मिनट बाद देखिए हमारा पालक कैसे बैठ गया है। अब हम इसको जला लेंगे और फिर इसको पाँच मिनट के लिए ढक देंगे। हमने इसे पानी नहीं डाला, ये इसने पालक ने खुद ही पानी छोड़ा। तो हम इसको पाँच मिनट के लिए ढक देंगे मजीद। तो नाज़रीन पाँच मिनट हो गए इसको, ये देखें पालक बिल्कुल गायब हो गया, मुरझा गया। मेथी भी मुरझा गई है। अब हम इसको मजीद पाँच मिनट तक ढक के पकाएंगे, धागे हमारे आलू भी गल जाए, फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। आँच हमारी हल्की है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद पाँच मिनट बाद चेक करेंगे जी। तो नाज़रीन ये पाँच मिनट बाद हमने खोला है, आलू हो गए हमारे डन। अब हम इसमें डालेंगे पंजाबी टच, यानी कि दो टेबलस्पून हमने डाला है इसमें देसी घी का, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर आपको डिश अप करके दिखाएंगे जी। तो नाज़रीन ये हमारी चिकन आलू मेथी पालक की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अमूमन होता यह है कि बच्चे जो है वो सब्ज़ी इतने शौक से नहीं खाते, इसलिए हमने आलू मेथी पालक में थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दिया जी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे पेट्रियन के लिंक को भी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ अनासिक।